हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीए स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर जियोग्राफी के पेपर 3 का चैप्टर नंबर 15। इससे पहले ऑलरेडी हमने बीए थर्ड ईयर जियोग्राफी का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। अब हम बीए थर्ड ईयर का आपको कवर करवा रहे हैं, जिसमें भी ऑलरेडी हमने 14 चैप्टर तक कवर कर लिया है। आज का हमारा चैप्टर नंबर है 15। तो इसके पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप चैनल पर विजिट कीजिए। आप चाहे बीए फर्स्ट ईयर के हों, सेकेंड ईयर के हों, थर्ड ईयर के हों, आप किसी भी ईयर के हों, कोई भी सब्जेक्ट आपने लिया हुआ, आप अपने अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जो आपके लिए वैल्यूएबल है, जो आपके लिए है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विजिट जरूर करना इस चैनल पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाकर सब्सक्राइब कर लो, आप विजिट करो, अगर आपको वैल्यू मिलता है तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना। तो दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है वह है नगरीकरण एवं पर्यावरणीय उन्नयन। नगरीय केंद्रों में लगातार जनसंख्या के बढ़ते सांद्रण एवं औद्योगिकरण के फलस्वरूप नए नगरों का निर्माण एवं पूर्व स्थित नगरों के विस्तार के कारण विकसित एवं विकासशील देशों में पर्यावरणीय प्रदूषण और अवनयन की कई समस्याएं उत्पन्न होकर के सामने आ रही हैं। यानी कि लोग जो है अपना नगरों की तरफ दौड़ रहे हैं, नगरीकरण हो रहा है, जितने भी नगर हैं, पुराने नगर हैं, उनकी स्थिति, उनका विस्तार हो रहा है और नए नए नगरों का निर्माण हो रहा है। लोग जो जनसंख्या थी पहले के टाइम पे, जो जनसंख्या गाँव में रहना पसंद करती थी, अब वो नगरों की तरफ सभी जनसंख्या दौड़ रही है। मैं आपको एक तालिका के थ्रू दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से विश्व में जनसंख्या का नगरों में ट्रांसफ़र हुआ है। आप देख सकते हैं ये चित्र नंबर 20.8 यानी कि 20.8 विश्व की नगरीय जनसंख्या मिलियंस में दिखाया गया है कि जो क्षेत्र है नगरीय क्षेत्र, ये वर्ष 1950 में विश्व भर में 724 मिलियन जनसंख्या कितनी क्या थी, नगरीय थी। 724 मिलियन जनसंख्या में से जो है 449 मिलियन विकसित देशों में से थे और 275 मिलियन जो था वो विकासशील देशों में से था। और यही जनसंख्या 1950 से लेकर के 1975 में जब आया तो विश्व की कुल जनसंख्या का 1561 मिलियन शहरी जनसंख्या हो गया था, नगरीय जनसंख्या, जिनमें से विकसित देश में 767 तो विकासशील देशों में 794 मिलियन जो थी संख्या नगरों में हो गई। यानी कि आप देख रहे हैं जो विकसित देश हैं उनमें तो नगरों की संख्या उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही है जितना कि विकासशील देशों में नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके बाद बात करें कि 1980 की, तो 1980 में पूरे विश्व का 1807 मिलियन लोग नगरीय जनसंख्या में निवास करते हैं, जिनमें विकसित देशों का जो संख्या है वो है 834 मिलियन और अविकसित देश यानी कि विकासशील देशों का 974 मिलियन। 2000 में यह जनसंख्या होकर के विश्व की पूरी जनसंख्या नगरीय जनसंख्या मिलियन में हो जाती है 3208 मिलियन, जिनमें से 1092 मिलियन तो विकसित देशों में है और 2116 विकासशील देशों में, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जो आपका विकासशील देश है ना, यहाँ पर जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जो विकसित देश है उनको पता है कि उनको कितने बच्चे होने हैं, कितने उनके फैमिली होनी है, बट यहाँ विकासशील देशों में जनसंख्या बढ़ने का मुख्य रीजन ही यही होता है कि लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें क्या करना है। अब अगर मैं परसेंटेज के रूप में आपको दिखाना चाहूँ कि जो है जनसंख्या किस तरह से नगरीय जनसंख्या में बढ़ा है, तो 1950 में पूरे विश्व का 29% जनसंख्या जो थी वो नगरीय थी। 29% में से विकसित देशों का 52.5% और विकासशील देशों का 16.7% था। और 1975 में ये जो विश्व में, पूरे विश्व में जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या 29 पॉइंट से हो करके 39.3% तक पहुंचती है, जिनमें विकसित देशों का परसेंटेज होता है 67.5% और विकासशील देशों का परसेंटेज होता है 28%। इसके बाद 1980 में पूरे विश्व की लगभग 41.3% जनसंख्या नगरीय हो जाती है, जिनमें 70% जो है वो विकसित देश होते हैं और 30% विकासशील देश होते हैं। 2000 तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है कि विश्व की आधी से ज़्यादा जनसंख्या यानी कि 51.3% जो जनसंख्या थी वो नगरीय हो चुकी थी और इसमें से 78.8% जनसंख्या विकसित देशों की और 43.5% जनसंख्या अविकसित यानी कि विकासशील देशों की थी। तो नगरों में जनसंख्या का विकास बड़ी तेजी से हो रहा है। अगर हम बात करें 1981 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जो नगरीय जनसंख्या थी वो 22.45% थी, यानी कि 22.45% 1981 में भारत की नगरीय जनसंख्या थी।
और नगरीय जनसंख्या का जो घनत्व है वो 3000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में 3000 व्यक्ति रहते हैं। और ग्रामीण जनसंख्या का जो घनत्व है वो है 160 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में 160 व्यक्ति रहते हैं। तो आप देख सकते हैं घनत्व तो कितना ज़्यादा हो रहा है, और इस घनत्व तो होने की वजह से नगरों पर बड़ी तेज़ी से बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जब जनसंख्या ज़्यादा होगी उनका वो जो है हर संसाधन का अधिक से अधिक यूज करेंगे, अधिक से अधिक जब यूज होगा औद्योगिकरण होगा, उनको एक हर चीज़ की व्यवस्था करनी होगी, जिससे क्या होगा प्रदूषण फैलता रहता है। नगरीय जनसंख्या के विस्फोट के कारण भवनों, सड़कों, गलियों, नल जलों के नाले यानी कि नलों से निकलने वाले जलों के लिए नाले, बरसाती नाले, पक्की सतह, स्वचालित वाहनों, कारखानों की संख्या, नगरीय अपशिष्ट पदार्थ, इन सभी का प्रयोग जो है वो अधिकाधिक होने लगा। अगर हम बात करें दिल्ली के पास की जो यमुना नदी के किनारे हमारा दिल्ली शहर जो हमारे देश की राजधानी वो बसा हुआ है, वो जो यमुना नदी है उसमें दिल्ली के 17 बड़े नालों से प्रतिदिन 323 मिलियन गैलन जल जो है, जो मल के रूप में आता है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में आता है, वो यमुना नदी में पहुंचता है, जिससे क्या होता है कि नदी प्रदूषित हो जाती है, जल पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। दिल्ली जो है वो वायु प्रदूषण के मामले में भी सबसे आगे है। दिल्ली शहर का लगभग 60% जो प्रदूषण है ना, वो वहाँ पर चलने वाले जो स्वचालित वाहन हैं उन वाहनों की वजह से वहाँ पर प्रदूषण होता है। सन 1989 में आंकड़ों के अनुसार इन वाहनों के प्रतिदिन निम्न प्रदूषणों का जनन किया गया कि कितने प्रदूषण निकल रहे हैं। इसमें क्या पाया गया, आपके सामने स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हो, 250 टन कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके द्वारा मनुष्य के शरीर में सांस की समस्या पैदा हो सकती है, वो निकलता है। दूसरी चीज, 400 टन हाइड्रोकार्बन निकलता है, 6 टन सल्फर ऑक्साइड निकलता है, और भारी मात्रा में निलंबित कण निकलते हैं, और 600 किलोग्राम कांच निकलता है। यह प्रतिदिन की बात हो रही है दिल्ली में 1989 के आंकड़ों के अनुसार यह बताया गया है। तो इस तरह से तमाम सारे जितने भी अलग अलग शहर हैं, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ पर भी वायु का जो स्तर है, वायु प्रदूषण का स्तर है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम बात करें कि एक अनुमान के अनुसार 1305 टन हानिकारक तत्वों का कोलकाता शहर के वायुमंडल में प्रतिवर्ष विमोचन होता है, यानी कि हर वर्ष कोलकाता के शहर में 305 टन हानिकारक तत्व वायुमंडल में घोले जाते हैं। इन प्रदूषणों से 900 टन का योगदान कोलकाता की जो औद्योगिक पेटी है वहाँ से होता है, यानी कि 1305 टन में से 900 टन जो कोलकाता की औद्योगिक पेटी है, जहाँ पर उद्योग लगाए गए हैं, जहाँ पर चिमनिया है, वहाँ से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, जहाँ पर औद्योग है वहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा हैं, तो वहाँ पर 900 टन का जो है प्रदूषण वहाँ पर पाया जाता है, और शेष 405 टन हावड़ा औद्योगिक पेटी से वहाँ पर ये जनित होता है। यानी कि जितने भी प्रदूषण हो रहे हैं वो किसी न किसी ऐसे क्षेत्र से हो रहे हैं जहाँ पर औद्योगिकरण हुआ है, नगरीकरण हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जहाँ पर निवास करती है और उनका उपभोग करती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नगरीकरण क्या है, किस तरह से नगरीकरण हो रहा है, और इससे पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या मामले पर्यावरण में हमारे सामने आ रहे हैं, हमारी कंट्री के लिए आ रहे हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हो तो एक बार जाकर के विजिट ज़रूर करना। अगर आप पहली बार आए हो तो विजिट करते हो तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या वैल्यू है। अगर आपको लगता है ये आपके लिए वैल्यूएबल है तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।